जय हिंद दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं VIN-IAS में क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम मध्य प्रदेश के जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही ये जानेंगे कि प्री में जो है आयोग किस किस क्षेत्र तक जाता है, कौन कौन से एरिया जो है वो कवर करता है। तो ये क्वेश्चन सीरीज जैसे चालू कर रहे हैं। मेरा नाम सत्यम जाट है, मैं 2020 PSC में ATO असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के पद पर चयनित हुआ हूँ, और वर्तमान में मैंने 2019 का जो इंटरव्यू है वो दे दिया है और 21 का मेंस भी लिख दिया है। तो चलिए आप समझते हैं कि किस तरह से जो PSC है वो प्री के किस तरह से क्वेश्चन फॉर्मेट करती है और किस तरह से जो है क्वेश्चन बनाती है, और अपने को किस तरह से सॉल्व करना है, अपनी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, क्वेश्चन के प्रति अपन किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और जो एक नंबर या दो नंबर से अपना प्री रुक जाता है, इस बार कोशिश ये रहे कि अपना इस तरह से प्री ना रुके, अपन प्रॉपर अंदर हों, मेन लिस्ट में हों और बेहतर तरीके से फिर मेंस दे सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं। ये फर्स्ट स्लाइड है जिसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया है, निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है। अब देखिए, जनजाति से क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है कि आपको जनजाति जो है बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, उनके बारे में जानना पड़ेगा कि वो क्या चाह रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और उन्होंने इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिया है कि किस जनजाति को खुटिया पटेल के नाम से जाना जाता है। तो अब अपने पास ऑप्शन है शहरिया, भूमिया, बेगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर आप भी दे सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, तो इसका आंसर है शहरिया जनजाति। तो शहरिया जनजाति को जो है आदर के साथ खुटिया पटेल कहा जाता है। अब अपने को और क्या याद करना है, देखिए जैसे ऐसा है कि कोई भी क्वेश्चन जो होता है उसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो अपने को याद कर लेना है। अब इसमें पूरा आपको डिटेल आंसर है कि शहरिया जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल कहा जाता है। यह जनजाति मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत आती है। यह जनजाति मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, विदिशा, भिंड तथा रायसेन के क्षेत्रों में पाई जाती है। मतलब जो अपना MP का ऊपर वाला पोर्शन है उस पोर्शन में ये जनजाति जो है इस वाले पार्ट में रहती है ना, यहाँ से ये जनजाति यहाँ पाई जाती है। अब चूंकि होता क्या है, कारण ये है कि तीनों पिछड़ी जनजातियाँ हैं अपने यहाँ मध्य प्रदेश में, तीन विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं। तो उसके लिए ट्रिक क्या है कि भाई शहर में जो जाने वाला होता है उसका बैग होता है भारी। उसका बैग कैसा होता है, भारी बैग होता है, सब सामान लेके जाता है, तो भैया शहर जाने वाले का बैग भारी होता है। तो तीन जनजातियाँ निकल के आती है, शहरिया, बेगा और भारी। तो ये तीन जनजातियाँ जो है अति पिछड़ी जनजातियाँ होती हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते हैं। तो आप देख लीजिए ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अपन इस तरह से ये समझेंगे कि क्या हो रहा है, आपको जनजाति अच्छे से पढ़ना होगा, उससे क्वेश्चन आने की संभावना है, और कहीं ना कहीं कुछ उपनाम हुए या कुछ इस तरह से नाम जो हुए वो आ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन अगर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध डोकरा कला के लिए सही है, डोकरा कला के लिए सही नहीं है। यह कला बैतूल के भरेवा आदिवासी समुदाय संबंधित है। यह एक अलोह धातु ढलाई कला है। यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है। यह सभी कथन सत्य हैं। अब देखना आयोग ने क्या किया है, इस बार जो मध्य प्रदेश का जो पहली यूनिट है उसमें जो संस्कृति और स्थापत्य है वहाँ पर गया हुआ है, और ये वहाँ से निकाल के लाया है कि डोकरा कला किस लिए प्रसिद्ध है। तो अब अपने को ये समझना है कि अब हमको थोड़ा एडवांस लेवल पे जाकर थोड़ी स्मार्ट स्टडी जो है वो करनी पड़ेगी। तो इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर चूंकि आयोग ने सी और बी दोनों दिए रखा है कि यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने बताया डोकरा कला के बारे में। दूसरा उसने बताया सभी कथन सत्य हैं, मतलब दो और एक, दो तीन सत्य हैं और तीसरा भी सत्य है। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है वो दिया है 3 और 4, सी और डी, है ना। डोकरा कला दस्तकारी की एक प्राचीन कला है। इस कला में तांबा, जस्ता, रांगा, टीन आदि धातुओं के मिश्रण करके, ढलाई करके मूर्तियां, बर्तन, रोजमर्रा की अन्य सामग्री बनाई जाती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भरेवा जनजाति के द्वारा, देख लो जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, मतलब आप अगर भरेवा जनजाति पढ़ते भरेवा तो कहीं ना कहीं अपने को ये डोकरा कला मिल जाती, द्वारा इस कला का विकास किया गया है। अब चूंकि देख लेते हैं क्वेश्चन की क्या डिमांड थी, वो क्या बोलना चाह रहा था कि यह कला बैतूल के भरेवा आदिवासियों के समुदाय संबंधित है, बिल्कुल सही बात है, पहला कथन सत्य हो गया। यह एक अलोह धातु कला है। अब इसमें लोहा का प्रचलन नहीं है, अपन देखा इस क्वेश्चन में वो क्या बता रहा है आपको कि ये जस्ता, तांबा और रागा, मतलब टीन, इन धातुओं का प्रयोग करके मिश्रण करके बनाई जाती है। तीसरा कथन इन्होंने क्या बोला कि यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है। तो ये थोड़ा सा विवादित हो चुका था, कपड़ा कला है, क्योंकि जो विवाह के दौरान जो सामग्रियां दी जाती है या भेंट दी जाती है या फिर विवाह के दौरान उपयोग की जाने वाली सामग्री थी उसमें इसका प्रयोग होता है, इसलिए अधिकतर। अब कुछ जो सोर्सेस हैं उन्होंने इसको कपड़ा कला या कपड़े से रिलेटेड भी बताया, इस कारण इसको सी ओ डी ऑप्शन जो है इसका उत्तर माना गया है।
ठीक है भैया, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, शहादत खां और वंश गोपाल का संबंध निम्न में से किस स्थान से है। ठीक है, इंग्लिश में भी इसी तरह का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि आप हिंदी में समझ लें तो बेहतर रहेगा। जैसे क्या बोल रहा है कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, शहादत खान और वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में किस स्थान से है। आपको बताना है कि ये कौन सी रियासत से संबंधित है और स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो देखिए, आप किसी और को ना पहचानते हो लेकिन आप शहादत खान को पहचानते होंगे, क्योंकि जो MPPSC आयोग है उसके सामने शहादत खां की मजार है, जिन्होंने लगभग इंदौर रियासत या होलकर रियासत अपन बोले इनके टाइम पर जो है बगावत की थी या स्वतंत्रता संग्राम में जो है भाग लिया था। तो शहादत खां से हम सीधा जा सकते हैं इंदौर पर और इंदौर इसका उत्तर जो है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा देखें, भागीरथ सिलावट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अपन जानते हैं कि माननीय तुलसी सिलावट जी वो भी इंदौर से जो है मंत्री हैं, है ना। तो अपने को कम से कम यहाँ से एक करंट का क्वेश्चन भी अपन याद कर सकते हैं, भागीरथ सिलावट से तुलसी सिलावट जी का याद कर लें कि भैया वो मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग में मंत्री हैं, है ना। शहादत खां की मजार कहाँ पर है, तो ये अपने को पता है कि भैया इनकी जो स्थली है वो लोक सेवा आयोग के बाहर है ना। और वंश गोपाल, तो इससे हमने क्या किया कि भैया दो एलिमिनेशन हो गया, एक तो कि भैया ये या तो इंदौर में है, तो यही अपना ऑप्शन सीधा आ गया कि हमने जहाँ शहादत खान देखा और इंदौर लगा दिया, तो ये अपना उत्तर सही हो गया। तो इस टाइप से अपन जो है क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। अब इसमें आया, मध्य प्रदेश की 1857 की क्रांति के समय स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, शहादत खां और वंश गोपाल महू इंदौर रेजिमेंट छावनी से संबंधित थे, है ना। तो ये होलकर रियासत के टाइम पे जब अंग्रेज थे तो इंदौर रियासत से इन लोगों ने जो है स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था और जो है बगावत की थी अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचूरी शासक गांगेय देव और उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण किया है। देखिए, अब ऐसा है कि ये जो क्वेश्चन होते हैं इनके डायरेक्ट कोई आंसर नहीं होते हैं, है ना। अब इसमें इन्होंने बोल दिया कि एक अरब लेखक है, उन्होंने कलचूरी शासक गांगेय देव और उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण किया था, तो अब इसमें क्या होगा, जो अपनी मेजर हिस्ट्री जो होती है, जो इंडियन हिस्ट्री होती है, हमको उसको कहीं से कहीं रिलेट करना पड़ेगा। अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा लेखक था जो MP या मालवा या इस पृष्ठभूमि में आया था और उसने जो है इन राजवंशों का भ्रमण किया या इस कालचक्र के दौरान वो यहाँ पर आया और उसने कहीं ना कहीं उनके बारे में लिखा है। तो इसमें ऑप्शन है अल बहरी है, अल मसूदी है, अल बरूनी है, इब्न तूता है। ठीक है, तो अब अगर अपन इसका उत्तर देखें तो मध्यकालीन फारसी शासक अल बरूनी भारत में आया था, उसने अपनी मालवा यात्रा के दौरान कलचूरी शासक गांगेय देव और उसकी राजधानी और राजा भोज के पराजय का वर्णन किया है। ठीक है, तो देखिए, एक तो दो चीज़ें हैं, एक तो आप जब कलचूरी वंश पढ़ेंगे तो कलचूरी वंश में उस समय ये वर्णन रहेगा कि कलचूरी वंश के कौन कौन से शासक रहे थे, उन्होंने किस किस से युद्ध किया था। अब उसमें राजा भोज का युद्ध भी आ जाएगा, कलचूरी शासक को हराया था। दूसरा अपन ये देख लेंगे कि भैया त्रिपुरी उनकी राजधानी थी, त्रिपुरी जबलपुर जिसको अभी संस्कार राजधानी के नाम से जानते हैं। अब उस दौरान जो आने वाला शासक था जो था वो था अलबरूनी, तो अलबरूनी ने उस समय भारत की यात्रा के दौरान मालवा की यात्रा करी और उसने कलचूरी शासक गांगेय देव के शासनकाल में त्रिपुरी का भ्रमण किया और उसके बारे में लिखा। तो यहाँ से अपने को ये समझ में आया कि आप जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके भी कुछ लेखक या कुछ ऐसे व्यक्ति जो मालवा से संबंध रखते थे या मालवा रियासतों से उनका कहीं ना कहीं युद्ध हुआ है या भ्रमण हुआ है, तो उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। देखिए, सबसे पहला एक क्वेश्चन आपको यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो आप उसको ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। यही अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, है ना, तो अपना आंसर चेंज हो जाता। अब उसने पूछा है गलत है, तो कई बार क्या होता है जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन की जो बेसिक नीड है उसको भूल जाते हैं, हम उसको पढ़ते नहीं हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो अपने को गलत कथन का चयन करना है। मतलब इसका यह है कि तीन इसमें ऑप्शन जो है वो सही है और एक जो है गलत है, लेकिन अगर हमने ये गलत शब्द नहीं पढ़ा, अगर हमने ये गलत नहीं पढ़ा और हमने तुरंत पढ़ा कि निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित है या कौन सा युग्म है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जल्दीबाजी में हम सिर्फ सही आंसर ढूंढने लग जाएंगे। और जब हम सही आंसर ढूंढते हैं तो उसकी समस्या ये होती है कि आप सही आंसर, आपको जो भी एक याद है, आपने समझ लो साकेत रामायण कला संग्रहालय ओरछा अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता है कि ये तो सही है, तो आप तुरंत ये लगा के और आगे बढ़ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं अपना नुकसान हो जाएगा। अब अपने को ध्यान ये रखना है कि जो भी क्वेश्चन आए उसको पहले एक बार ध्यान से पढ़ें, उसमें जो की पॉइंट है अपना, अगर आप पेंसिल ले जा सकते हैं में तो पेंसिल ले जाएं और जो की पॉइंट है उसको गोला कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। अब आपको यह पता है कि आपको इसमें से गलत जो है उसका चूज करना है कि यह गलत कौन सा है। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं साकेत रामायण कला संग्रहालय ओरछा। तो अपने को पता है कि भैया रामायण जी से जितनी भी चीजें हैं वो ओरछा में है, प्रसिद्ध राम राजा मंदिर है, है ना। तो जो ओरछा है वो प्रसिद्ध है भगवान श्री राम के लिए, तो रामायण कला संग्रहालय भी वहां पर है। अगला है प्रेमचंद सृजन पीठ, प्रेमचंद सृजन पीठ जो है वो है उज्जैन में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
तीसरा आता है मुक्तिबोध, मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ पर है, तो ये सागर में है। और चौथा आता है तुलसीदास शोध संस्थान, ये भोपाल में दे रखा है, जबकि तुलसी से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो कहाँ पर है, चित्रकूट में है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आना था चित्रकूट, चित्रकूट यहाँ पर सही होता है, क्योंकि उसने अपने को पूछा है कि अपने को गलत उत्तर जो है इसमें से चयन करना है, तो गलत अपना कौन सा है, डी, तुलसी संग्रहालय कहाँ पर है, भोपाल में नहीं है, वो चित्रकूट में है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा डी। लेकिन अब होता क्या है कि जल्दी जल्दी में अगर आपने इनमें से एक सही चूज कर लिया तो आप या तो ये लगा देंगे या बी लगा देंगे या सी लगा देंगे, है ना। पर्टिकुलर व्यक्ति जो याद करके जिसको याद होगा वो लगा देगा। अब इसमें क्या है कि आपको जो अपनी जितनी भी सृजन पीठ है इनको कम से कम आपको याद रखना चाहिए। कारण क्या है कि एक ना एक क्वेश्चन इससे आता है, क्योंकि ये भी हमारे जो स्थापत्य कला और जो संस्कृति है उसका पार्ट है। अब इसमें जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि भैया रामायण कला संग्रहालय या राम राजा मंदिर जितनी भी चीज़ें हैं वो लगभग ओरछा में आएगी, क्योंकि वहाँ ओरछा जो है भगवान श्री राम या रामायण से रिलेट करता है। अगला आता है प्रेमचंद सृजन पीठ, ठीक है। अब देखिए एक उज्जैन की कहानी है विक्रमादित्य और बेताल की, विक्रम और बेताल जिसको बोलते हैं, तो विक्रम और बेताल के बीच में क्या था, प्रेम था, तो उस कारण से जो प्रेमचंद सृजन पीठ है वो उज्जैन में, ठीक है। अगला आता है मुक्तिबोध सृजन पीठ, तो मुक्ति कहाँ पर मिलती है, मुक्ति मिलती है भैया गंगा में नहाने से, नर्मदा में नहाने से, लेकिन पूरी मुक्ति चाहिए आपको, पूरा मुक्ति बोध होना है, तो आपको कहीं ना कहीं बड़े महासागर में या सागर में डुबकी लगानी पड़ेगी। तो ये हो गया आपका सागर, तो ये सागर से आपकी ट्रिक बन गई एक तरीके से। अगला आता है तुलसी शोध संस्थान, तो तुलसीदास जी या तुलसी जी से जितनी चीज़ें हैं सब चित्रकूट में है, चित्रकूट में संग्रहालय है, और इससे रिलेटेड जो भी और जो योजन वो है अपने तुलसी संग्रहालय शोध संस्थान जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चित्रकूट में बन रही हैं, चित्रकूट में ही हैं, तो इसका आंसर जो है अपना चित्रकूट आ जाएगा। मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी, चित्रकूट सतना में ही की गई है। इसका मुख्य कार्य हिंदी साहित्य की रचनाओं पर शोध कार्य करना है ना, जो तुलसीदास जी की रचना है या अन्य हिंदी रचनाएँ जो है उन पर शोध काम करने के लिए ये संस्था बनाई गई है, ठीक है। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन है पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक रहे हैं, ठीक है। अब पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र आपने कहीं ना कहीं इनका नाम जो है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में पढ़ा होगा, 1920-30 के आसपास जो भारतीय राजनीति थी, मध्य प्रदेश की राजनीति थी, उनमें बहुत मुख्य किरदार रहे हैं, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन हुआ या असहयोग आंदोलन हुआ, इसके अलावा झंडा सत्याग्रह, इनमें महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई हुई है। तो अब इन्होंने क्या किया था, अपने विचारों को प्रकाशित करने के लिए समाचार पत्रों को चुना था। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक रहे हैं। अब आप ये देखिए कि ये समाचार पत्रों के बारे में पूछ रहा है, और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, चूंकि स्वतंत्रता आंदोलन जो था वो बहुत महत्वपूर्ण भारत के दृष्टिकोण में माना जाता है, भारतीय जो आज़ादी है इसके दृष्टिकोण में स्वतंत्रता आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसमें से क्वेश्चन हर बार 3 से 4 क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, है ना। अब इसमें उन्होंने पूछ लिया समाचार पत्र, तो अब दूसरी भूमिका ये हो गई कि जो महान किरदार थे, जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने किन किन समाचार पत्रों के बारे में लिखा है या किन किन समाचार पत्रों के माध्यम से अपने विचार आगे प्रेषित किए हैं, अपने को उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे इसमें दिया है सूर्योदय, प्रभा, लोकमत और संध्या। तो जो पंडित द्वारका प्रसाद मित्र था उनका था लोकमत, लोकमत के माध्यम से जो है इन्होंने अपने विचार जो प्रकाशित किए। इसके अलावा और किसके आ सकते हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी सर का आ सकता है, उनका एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है कि माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा और कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जो अपने यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से हैं और समाचार पत्रों का, तो एक जो पूरा चैप्टर आता है समाचार पत्र या स्वतंत्रता सेनानी, उसमें अपन इनको पढ़ सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, तो अपने को कम से कम ये रहे कि स्वतंत्रता संग्रामी पढ़ रहे हैं अपन, स्वतंत्रता सेनानी, उनके जो समाचार पत्र हैं या उनसे रिलेटेड और कुछ चीजें वो तैयार कर लें, ठीक है। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने भारत के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनेता, पत्रकार व साहित्यकार रहे हैं। इन्होंने मिश्र ने 1930 में जबलपुर में दैनिक समाचार पत्र लोकमत के माध्यम से लोकमत प्रारंभ किया था, तो लगभग ये 1930 के आसपास की घटना हो गई, असहयोग आंदोलन इस समय चल रहा है, और उस दौरान जो है लोकमत के माध्यम से इन्होंने अपने विचारों को आगे बढ़ाया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से। देखिए आपको कहीं ना कहीं जनजातियां जो है वो क्वेश्चन बिल्कुल रेज कर रही हैं, और 4 से 5 क्वेश्चन जो है जनजातियों से आ रहे हैं, तो जनजातियों में अपने को एक तो महत्वपूर्ण रूप से उनमें क्या उनकी विशेषताएं हैं, उनके घरों को क्या कहते हैं, जैसे फाड़लिया है, कू है, या उनके समूह को क्या कहते हैं, सहराना है, उनके रहने वाली जगह को, उनके खाने वाली चीज़ों के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, उनकी कलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, या फिर उस समय करंट में जो व्यक्ति उनमें फेमस है,
है ना, जोधगया बाई हो या भूरी बाई हो या और भी परमार है, शांति परमार या रमेश परमार, तो इन कलाओं से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं उनके बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने पूछा है, आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से? तो ये कहीं ना कहीं या तो करंट में रही होंगी या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति रहेंगे, इनको कोई अवार्ड मिला होगा। तो ये अपने को थोड़ा सा देखते रहना चाहिए कि आदिवासी व्यक्तियों में या जनजातियों में कोई कोई बेहतर काम कर रहा है या किसी को कोई अवार्ड मिला है, तो वो क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें इसका उत्तर जो आएगा गौण चित्रकला आएगा। अब डोकरा कला का दो क्वेश्चन देख लिए, दो बार आ गया है, अभी बैतूल वाला आया है, फिर इन्होंने डोकरा कला दे दिया है, पिथौरा चित्रकला दिया है, बाघ प्रिंट दिया है। तो बाघ प्रिंट जो है अपना धार जिले से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह से जो ये क्वेश्चन है इन्होंने फॉर्मेट किया है और गौण चित्रकला जो है इसका आंसर है। तो ये जो है आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं, इनको कोई अवार्ड या किस तरह की कुछ चीज़ मिली होगी, इस दौरान ये क्वेश्चन रेज होकर आ गया है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के गौंड आदिवासियों द्वारा गौंड कथाओं, गीतों की कहानियों का चित्रण किया जाता है, यह गौंड चित्रकला कहते हैं। आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई प्रसिद्ध गौंड चित्रकार हैं, है ना। तो चित्रों के माध्यम से जो है ये बिल्कुल बहुत सारी कहानियां या लोकगीत या कहानियों का जो है चित्रण करते थे, और वहाँ के ये दोनों कलाकार हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इनके आसपास का और क्वेश्चन आ सकता है, तो अपन जैसे ये गौंड चित्रकला है, इसके आसपास की और कोई सी कला हो, जैसे पिथौरा है, पिथौरा के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि चार ऑप्शन में पिथौरा था, है ना। पिछली बार उन्होंने जो डोकरा कला बताया, अपन डोकरा कला पढ़ लें, डोकरा कला के कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व हों उनको याद कर लें, या पिथौरा के जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं उनको याद कर लें। एक क्वेश्चन दिया था बाघ प्रिंट, तो बाघ प्रिंट के जो व्यक्ति हैं, अब इनमें से भी जो बाघ प्रिंट के एक व्यक्ति हैं मोहम्मद करके, उनको जो है इन्होंने बेस्ट चित्रकार का अवार्ड दिया हुआ है कोई, तो अपने को उनका नाम भी याद होना चाहिए, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में वही आ जाए, ठीक है। तो आपको इस तरह से तैयार करना है। नेक्स्ट आता है धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? देखिए पहले तो आपको दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो प्राचीन नगर, तो आपको पहले पुराने नाम किसके क्या थे वो आपको पता होना चाहिए। जो महिष्मती आपको पता है ये महेश्वर है ना, बाहुबली पिक्चर में इसके बारे में बताया गया है। दूसरा बेस नगर, बेस नगर इसको कहते हैं विदिशा को, राजा अशोक की राजधानी रही थी ये, है ना, श्री महादेवी यहाँ की रानी थी। अवंती, अवंती किसको कहते हैं, उज्जैन को, बाबा महाकाल की नगरी जो है यहाँ पर है, ठीक है। अगला आता है दसपुर, दसपुर किसको कहते थे, मंदसौर को, मंदसौर को दसपुर कहते थे। अब जब अपन पढ़ते हैं पुराने इतिहास में, तो मंदसौर में अपन दसपुर में पढ़ते हैं राजराजेश्वर मंदिर पढ़ते हैं, एक अभिलेख पढ़ते हैं जहाँ पर सूर्य को राजा के बारे में या जुलाहा श्रेणी की जो है शासकों के बारे में जानकारी दी गई थी, है ना, कहाँ पर दी गई थी, दसपुर या मंदसौर में। तो इससे क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि धर्मराजेश्वर स्मारक कहाँ पर है, तो धर्मराजेश्वर मंदिर जो है वो है मंदसौर में, तो कहीं ना कहीं ये स्मारक मंदसौर में ही होगा, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो दसपुर या मंदसौर आ जाएगा, ठीक है। अब पुरानी अगर देखें, महिष्मती दिया है, बैसनगर दिया है, अवंती दिया है, तो हो सकता है अगला क्वेश्चन या तो कोई महिष्मती से या बैसनगर से या फिर अवंती से आ जाए। बैसनगर विदिशा में खंबा बाबा आ जाए कि भाई भगवान विष्णु या भागवत धर्म को संबंधित कौन सा अभिलेख कहाँ पर है, तो वो बैसनगर में है। अवंती उज्जैन से रिलेटेड कुछ आ सकता है, तो ये अपने को याद रखना है ना, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में धर्म राजेश्वर मंदिर स्थित है। धर्म राजेश्वर मंदिर का विस्तृत इतिहास 9वीं शताब्दी का है। इस मंदिर की वास्तुकला एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। यह बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा का एक बड़ा केंद्र रहा हुआ करता था। यहाँ पर की बौद्ध गुफाएं भी प्राप्त हुई है। यह मंदिर प्रतिहार राजवंश के द्वारा काल में बनाया गया है ना, तो प्रतिहार वंश जो था उसने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी करवाया था, है ना, तो उस दौरान का ये मंदिर है या उस दौरान का ये जो स्मारक है यहाँ पर है, ये मंदिर में ही स्थित है। देखिए धर्म राजेश्वर मंदिर अगर अगर अपने को पता था तो फिर अपन दसपुर पे जाने में कोई अपने को दिक्कत नहीं आती है, है ना। तो धर्म राजेश्वर मंदिर का विस्तृत इतिहास भी है, 19वीं शताब्दी के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है ना। आप इसमें भी देख लिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा आंसर आया है नहीं गुजरती है। अगर आप इसी को ध्यान से नहीं पढ़ते और आप पढ़ देते हैं कौन से गुजरती है, तो आपको पता है कि भैया रहुआ राशि उमजद का है ना, तो उस आंसर के द्वारा आप नहीं है, अगर नहीं पढ़ते तो आप यहाँ क्वेश्चन को गलत कर देंगे। आप तुरंत इनमें से आपको जो याद होगा जहाँ से निकलती होगी आप वहाँ से लगा देंगे। लेकिन अगर आपको ट्रिक इसकी पता है या आपको पता है कि क्या पूछा है क्वेश्चन है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो अब आप जो है अगले ऑप्शन पे या फिर ढूंढने के लिए जाएंगे। तो इसकी ट्रिक क्या है, रहुआ राशि उमरा सा दमजब कटनी बहुरासा, रहुआ राशि उमरासा दमजब कटनी बहुरासा, है ना। तो अपन इसको इस हिसाब से चलते हैं, तो ये रतलाम आ जाएगा, उज्जैन आ जाएगा, आगर मालवा आ जाएगा, राजगढ़ आ जाएगा, सीहोर आ जाएगा, सीहोर के बाद उज्जैन आ जाएगा,
उमरा सा, फिर यहाँ से ये रायसेन आ जाएगा, फिर दमो आ जाएगा, जबलपुर आ जाएगा, कटनी आ जाएगा, सॉरी है ना, रउआ रासी भौरा सा दमजब कटनी उमरा सा, ऐसा कुछ है, ये थोड़ा सा चेंज है उसमें, दमजब कटनी उमरा सा। तो आपका ये हो गया, रतलाम हो गया, उज्जैन हो गया है ना, आगर मालवा हो गया, तो उज्जैन आ गया अपना, देखो ट्रिक में, ठीक है। फिर रउआ रासी रायसेन हो गया, सीहोर हो गया, ये भोपाल विदिशा हो गया, तो विदिशा आ गया, भोपाल भी यहाँ पे आ गया ट्रिक में, ठीक है। फिर रायसेन है और दम से, फिर दमो है, फिर जबलपुर है, कटनी है, उमरिया है और शहडोल है ना। तो कुल मिला के जो है अपना इंदौर कहीं से कहीं तक ट्रिक में आ नहीं रहा है ना। अब ये क्या होता है, 14 जिलों से होकर गुजर रही है, जो कर्क रेखा है वो लगभग मालवा के, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजर रही है ना। तो ये 14 जिलों की जो श्रृंखला है वो इस तरह से कुछ निकल जाती है, अपना जो इंदौर है वो यहाँ पे रह जाता है। तो इस रेंज में जो भी आते हैं, समझ लो यहाँ रतलाम आ गया, आगर मालवा आ गया, राजगढ़ आ गया, भोपाल आ गया, विदिशा आ गया, रायसेन आ गया, सीहोर आ गया, जबलपुर आ गया, कटनी आ गया, तो इस रेंज में जो 14 जिले हैं वो आ जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा अगर अगर मैप को भी ध्यान दें, तो मैप में भी अपन देख सकते हैं कि यार ये जो नीचे वाले जिले हैं या तो ये नहीं आएंगे या फिर ऊपर वाले जिले नहीं आएंगे, बीच वाले जिले लगभग इसमें आ सकते हैं। तो अपना इंदौर यहाँ पर था तो इंदौर नहीं आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। इसी तरह जैसे ये अपना कर्क, इसका आ गया है कर्क रेखा का, है ना, कर्क रेखा आ गई है एक बार, अपन इसी तरह से याद कर लेंगे नर्मदा नदी, है ना। नर्मदा नदी भी लगभग मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है, तो आपको वो 15 जिले लगभग याद होने चाहिए, क्योंकि नर्मदा नदी भी आपके जो मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन है उसमें से पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर इस तरह से बहती है, तो लगभग 15 से 16 जिलों को वो भी कवर करती है ना। आपको याद होना चाहिए, हो सकता है अगली बार क्वेश्चन वो यही पूछ ले कि नर्मदा नदी किस जिले से नहीं गुजरती है ना। जब अपन फिजिकल जियोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें लगभग नदियों के कौन कौन से जिले हैं या कौन कौन से उनके किनारे प्रमुख शहर है ये अपने को याद करना चाहिए, है ना, ठीक है। इसका डिटेल आंसर आपको एक बार बता देता हूँ। मध्य प्रदेश के 14 जिलों, विदिशा, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, जबलपुर से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये 14 जिले जो हैं इनसे कर्क रेखा गुजर रही है और इनके नाम है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस चट्टान में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक है। ये एक जियोग्राफी या जियोलॉजी का समझ लेते हैं अपन, क्वेश्चन आ गया है। अब तो अपने को चट्टानों के प्रकार पता है, भैया आग्नेय चट्टान होती है, दूसरी आती है भैया औसादी चट्टान, तीसरी आती है रूपांतरित चट्टान, है ना। तो आग्नेय चट्टान जो है वो परत नहीं होती है उसमें, जो जो मटेरियल होता है, जो ज्वालामुखी का मटेरियल होता है, वो जब ठंडा होता है वो तुरंत जम जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं जीवाश्मों का अभाव पड़ता है, मतलब जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो जो आग्नेय चट्टान होती है वो तुरंत जो है कठोर हो जाती है, और उस तरह से जब फॉर्मेशन होती है तो उनके बीच में कोई परत नहीं होती, कोई किसी प्रकार का कोई अवसाद नहीं होते। लेकिन जो दूसरे नंबर की चट्टान होती है जिनको बोलते हैं औसादी चट्टान, है ना, तो औसादी चट्टान कैसे जमती है कि भैया पहले एक लेयर जम गई किसी समुद्र की, समझ लो सतह में जम गई, उसके बाद समझ लो यहाँ कोई जीव मर गए या पेड़ पौधे मर गए वो आ गए, फिर अगली सतह जम गई, फिर और कुछ हो गया या कोई जीव हो गया या कुछ अवशेष आ गए, फिर अगली परत जम गई, तो इसको इसी कारण क्या बोलते हैं, परतदारित चट्टान, है ना, परतदार चट्टान या औसादी चट्टान बोलते हैं। अब ये जो जीवाश्म है ये जब करोड़ों वर्ष हो जाएंगे, इन पे बहुत सारा दबाव और टेम्परेचर और इस टाइप की चीज़ें हो जाएंगी, तो ये ही चीज़ें पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में बाहर आती हैं। तो ये जो पेट्रोलियम या कोयला जो अपने को मिलता है वो इन चट्टानों से मिलता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि भैया जो औसादी चट्टान या परतदार चट्टान है वो आएगी। अब चूंकि ग्रेनाइट दिया हुआ है, आग्नेय चट्टान तो अपने को पता है कि वो सीधी फर्स्ट पहली चट्टान है, या जिसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान जो मूल चट्टान है वो है ये। कायंत्रित या रूपांतरित चट्टान कौन सी होती है, जो आग्नेय और औसादी चट्टानों के बाद बनती है ना। ग्रेनाइट खुद एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो लास्ट वाला ऑप्शन बचा डी, जिसको बोलते हैं औसादी चट्टान, है ना, इंग्लिश में आ जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इस तरह से औसादी चट्टान जो होती है जिनके बीच में जीवाश्म पाए जाते हैं, क्योंकि ये परतदार चट्टानें होती हैं, इनमें जब जीव दब जाते हैं दो परतों के बीच में, तो कहीं ना कहीं करोड़ों वर्षों के बाद जब दाब और ताप के कारण वो जो है पेट्रोलियम या कोयला पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। अब इससे अपने को क्या समझ में आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कि चट्टानों के बारे में एक क्वेश्चन आ रहा है ना। तो अपने को लगभग तीनों जो अपनी चट्टानें हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, एमपी के परिदृश्य में पता होना चाहिए, क्योंकि एमपी में जो खनिज है वो बहुत सारे हैं, तो कौन से खनिज किन चट्टानों से निकल कर आ रहे हैं, लगभग कौन कौन सी चट्टानें मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं और किस किस तरह का फॉर्मेशन है, कारण क्या है उसका, कि देखो कोयला, तांबा, मैग्नीज और हीरा ये हमारे यहाँ के मुख्य खनिज है ना। तो ये जब मुख्य खनिज आएंगे हमारे यहाँ, तो कहीं ना कहीं इनकी इंपॉर्टेंस या इनके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बढ़ जाएंगे।
अवसादी चट्टानों के पूर्ण निर्माण में परतों का निर्माण होने के कारण इनमें प्रसावित या परतदार चट्टाने भी कहते हैं। इन चट्टानों के निर्माण में जैविक और अवशेषों का भी योगदान होता है। वो जो अवशेष जो बीच में दब गए थे उनके कारण ही जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती, काली मिट्टी नहीं पाई जाती? देखिए क्वेश्चन फिर वही है, जैसे हमने देखा कि काली मिट्टी पाई जाती है, लपाक से मालवा लगा देते और अपन भूल जाते कि क्या था क्या नहीं था, है ना। लेकिन क्वेश्चन की फॉर्मेशन क्या है कि काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। अच्छा, आयोग को पता है कि आप भी क्या है जल्दीबाजी में गड़बड़ कर देते हैं, आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं हैं, तो वो बस नहीं या इस तरह के शब्द जो है वो हिडन करके डाल देता है। अब जैसे पहली लाइन है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी, जो जो उसमें अरे पढ़ लिया और ये मालवा लगा दिया, वहाँ हो गई गड़बड़ आपसे। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना था, अगर आपके पास पेंसिल है तो आप उसको या तो गोला कर दो या फिर हल्का सा उसके नीचे लाइन खींच दो। उन्होंने पूछा है नहीं है, नहीं है। अब अपने को दूसरे तरह से सोचना है कि कौन से काली मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है। तो मालवाग पठार है, बघेलखंड है, नर्मदा घाटी है, सतपुड़ा छेड़ी है। ठीक है, अब जो काली मिट्टी है वो तीन तरह की काली मिट्टी है, उथली काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी या छिछली काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में तीन फॉर्मेशन है। अब चूंकि अपन ये जानते हैं कि निमाड़ मालवा में जो है काली मिट्टी तो पाई जाती है, अगर आप पाँच तरह की मिट्टी जो पढ़ोगे एमपी में, तो पांच तरह की मिट्टी में आपको अलग अलग क्षेत्रवाइज भी मिट्टी पता चल जाएगी कौन से क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है। तो मालवा के पठार में कहीं ना कहीं काली मिट्टी है ही, है ना, और गहरी काली है। नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी में भी काली मिट्टी है क्योंकि गेहूं और गन्ना का प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी काली मिट्टी पाई जाती है। सतपुड़ा के क्षेत्र जो है, सतपुड़ा में भी काली मिट्टी का क्षेत्र है, हल्की काली है, है ना। पहाड़ी क्षेत्र में भी काली मिट्टी पाई जाती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी काली मिट्टी के जो अवशेष है वो अपने को देखने को मिलते हैं। अब बच रहा है भैया अपना क्या, बघेलखंड। तो बघेलखंड में क्या है, तो बघेलखंड जो है वहाँ पर ज़्यादातर लाल पीली मिट्टी है, है ना। और लाल पीली के बाद अगर अपन दूसरी बात करें तो लेटराइट मिट्टी है, क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा जो ज़्यादा है। इसके अलावा अपन देखें तो बघेलखंड में क्या होता है, धान, तो धान के लिए अपने को थोड़ी सी लाल पीली या रेतीली मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, है ना। अब इसमें यह हुआ कि अपने को एक तो सोइल का भी आइडिया होना चाहिए, किस क्षेत्र में कौन सी सोइल है, कौन सी फसलों के लिए इम्पोर्टेंट है और किस क्षेत्र में वो पाई जाती है। तो अपने यहाँ जो पांच तरह की सोइल हैं, उन पांच तरह का सोइल कभी कभी परसेंट वाइज पूछ लेता है कि काली मृदा का कितना प्रतिशत है, लाल पीली मृदा का कितना प्रतिशत है, लेटराइट मिट्टी का कितना प्रतिशत है। दूसरा, काली मिट्टी क्या होता है, काली मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो काली मिट्टी जो है, जो ज्वालामुखी निकलते हैं उसमें जो चट्टानें होती हैं, चट्टानें जब धीरे धीरे क्षरित होती हैं उसके बाद जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो मध्य प्रदेश में मालवा के पठार, नर्मदा घाटी वाले क्षेत्रों में काली मिट्टी बहुतायत पाई जाती है। बघेलखंड क्षेत्र में कछारी व लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब जो ज़्यादा वर्षा होती है तो यही लाल पीली मिट्टी कायम परिवर्तित हो जाती है लेटराइट मृदा में, है ना। पूर्वी क्षेत्र में अपने यहाँ बारिश ज़्यादा भी होती है तो वहाँ पर लेटराइट मृदा में परिवर्तित हो जाती है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अटल प्रगति पथ संबंधित है, अटल प्रगति पथ भैया नया अभी कॉरिडोर जो बन रहा है उसका नाम है अटल प्रगति पथ। पहले इसको चंबल एक्सप्रेस के नाम से, चंबल एक्सप्रेस वे के नाम से जानते थे, है ना। अब ये करंट का क्वेश्चन हो गया अपने को कि भाई चंबल एक्सप्रेस वे था लेकिन उसका नाम अब बदल के क्या कर दिया है, अटल प्रगति पथ। क्यों किया है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं वो प्रसिद्ध राजनेता थे, भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, और इनका संबंध जो है ग्वालियर से, क्योंकि इनका जन्म जो है वो ग्वालियर में हुआ था, है ना। तो ग्वालियर से संबंधित है, इस कारण से जो है इस अगर जो प्रगति पथ है, जो चंबल एक्सप्रेस वे था, उसका नाम बदलकर अटल प्रगति पथ कर दिया है। अब चूंकि अगर अपने को इतनी चीज़ पता है कि अटल प्रगति पथ अटल जी से संबंधित है, कहीं ना कहीं चंबल में होगा, तो अपन चंबल क्षेत्र ढूंढ लो। तो पहला आंसर है मंदसौर नीमच क्षेत्र, नहीं। धार झाबुआ क्षेत्र, नहीं। मंडला जबलपुर क्षेत्र, नहीं। चौथा ऑप्शन ग्वालियर चंबल क्षेत्र। तो कहीं ना कहीं अपन सीधे पहुंच गए, है ना, अपने को इसमें एलिमिनेशन की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसमें क्या बोल रहा है, अटल प्रगति पथ मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला 404 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, जो तीन राज्यों को क्रमशः जोड़ेगा तथा इन मार्ग से दोनों ओर औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा, है ना। ये तीन चार जो प्रगति पथ हैं, जैसे नर्मदा प्रगति पथ है या नर्मदा एक्सप्रेस वे है, दूसरा अटल प्रगति पथ है, है ना। तो ये चीज़ें अपने थोड़े से करंट से रिलेटेड मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से प्रस्तावित है ना। तो क्वेश्चन क्या है, सोलर तरण मतलब तैरती हुई सोलर परियोजना कहाँ पर संचालित की जा रही है। तो आपको पता होगा सबसे महत्वपूर्ण जो अपना बांध है, इंदिरा सागर बांध, जो कि ओंकारेश्वर में है, है ना, पुनासा ओंकारेश्वर में जो है, वहाँ का जो बैक वाटर है, बैक वाटर में अभी सरकार क्या कर रही है कि जो सोलर प्लेट्स हैं उनको पानी के ऊपर जो है लेटाकर और सौर ऊर्जा उत्पादन का काम कर रही है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि 600 मेगावाट की दो यूनिट उसमें लगाई हुई है। ठीक है, आपने पढ़ा है सोलर तरण परियोजना, सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट, तो आपको दिमाग में सीधा आना चाहिए जहाँ पर पानी भरा होगा वहाँ पर कहीं ना कहीं तैराने की कोशिश करेंगे।
अब गांधी सागर भी है, ओंकारेश्वर भी है, अमरकंटक भी है, बरगी भी है, ठीक है। अब अमरकंटक में तो देखो कोई बांध आन तो है नहीं अमरकंटक में, तो अमरकंटक तो यहाँ से अपना जो है डिस्ट्रॉय हो गया कि अमरकंटक तो हो ही नहीं सकता, पानी भरा हुआ नहीं है। दूसरा बरगी डैम है, तीसरा ओंकारेश्वर और गांधी सागर। तो गांधी सागर, ओंकारेश्वर और बरगी में हो सकता है, लेकिन चूंकि जो ये प्रोजेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कहीं ना कहीं करंट में रहा था कि इस सोलर प्रोजेक्ट की क्या वैल्यू रहेगी, क्या रहेगा। और चूंकि जो ओंकारेश्वर है उसके पीछे बैक वाटर बहुत सारा भरा हुआ है, तो काफ़ी खाली जगह है जहाँ पर ये लगाया गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा ओंकारेश्वर, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं करंट पढ़ा है, तो करंट में आपको ये टच हो जाएगा 600 मेगावाट की सोलर परियोजना कहाँ पर है। अब इससे रिलेटेड अपने को और भी सोलर प्रोजेक्ट समझ लो पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो आपको याद होना चाहिए कि अभी कहाँ कहाँ और दूसरे सोलर प्रोजेक्ट हुए हैं, है ना। जैसे रीवा की गुड़ तहसील में, है ना, रीवा में सोलर प्रोजेक्ट लगा है, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फिर इसके अलावा अभी जो है मुरैना में, राजगढ़ में है, मुरैना में है और नीमच में है। तो नीमच में और यहाँ पर जो जो भी सोलर प्रोजेक्ट हैं ये कुछ ऐसे हैं कि ये 500 मेगावाट का यहाँ पर है, 450 मेगावाट का राजगढ़ में है, कुछ 550 का यहाँ पर है। तो इन जगहों पर भी अभी सोलर प्रोजेक्ट चल रहे हैं या फिर चलाए जा रहे हैं, तो अपने को कम से कम इनके भी क्वेश्चन याद करने, अगर सोलर प्रोजेक्ट आया हुआ है तो कहाँ पर कितने मेगावाट का चल रहा है, क्योंकि अभी नवीन ऊर्जा जो ऊर्जा का साधन जो है वो यही। अच्छा, अब इससे रिलेट करके अपन क्या कर सकते हैं कि जो इंडिया परिप्रेक्ष्य में वो भी पढ़ सकते हैं भाई। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया है, कब बनाया है तो वो 2015 में पढ़ा है, कब किस में बनाया है तो पेरिस जलवायु समझौते जो COP21 हुआ था वहाँ पर बनाया है। तो कहीं ना कहीं अपन जो है एक चीज़ से रिलेट करके जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उससे रिलेटेड वो याद कर लें, है ना, तो अपना कहीं ना कहीं बहुत सारा जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्लांट बन रहा है। इस प्लांट ने 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है, ये इसकी लगभग क्षमता है, इसमें 2 यूनिट लगा रहे हैं वो, ठीक है। अगला आता है मध्य प्रदेश के खिलाड़ी चिंकी यादव का खेल किस खेल से संबंधित है। देखिए अब इसमें हो क्या रहा है, अब आप मध्य प्रदेश पे आ गए हैं तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हो रहे हैं खेल में जो है, अभी मध्य प्रदेश के खिलाड़ी पूछने लगा है। कुछ सालों में क्या है, कुछ सालों पहले जो देखा जाता था कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी इतने अच्छे स्तर पर नहीं थे, उसके कारण क्या होता था कि ये क्वेश्चन जो है इंडिया लेवल पर आ रहे थे या फिर कहें तो बड़े लेवल पर आ रहे थे कि भैया इंडिया में कोई या कोई इंटरनेशनली खिलाड़ी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया जा रहा है, इस कारण जो है अब मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के बारे में क्वेश्चन आने लग गए। तो इसमें पूछा है मध्य प्रदेश की चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है ना। ये सीधा सीधा करंट का क्वेश्चन है, आप या तो पेपर पढ़ते हैं या करंट की कोई मैगजीन पढ़ते हैं, आपको उस मैगजीन में ये मिल जाएगा चिंकी यादव ने कोई अवार्ड जीता है या चिंकी यादव ने इतनी निशानेबाजी या शूटिंग में ये वाला मेडल जो है प्राप्त किया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, निशानेबाजी या शूटिंग, ठीक है। तो ये सीधा करंट का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भोपाल की चिंकी यादव 2019 एशियन शूटिंग चैंपियनशिप की फाइनलिस्ट रही है, तो मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं प्रेजेंट किया है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मध्य प्रदेश के और भी कोई खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एमपी को प्रेजेंट कर रहे हैं या इंडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं करंट मैगजीन में आपको मिलेगा, ठीक है। अगला आता है मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर को किस खेल से संबंधित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विवेक सागर और किस खेल से संबंधित है। अब चूंकि विवेक सागर जो है बहुत फेमस भी रहे हैं, ये भारत के जो मध्य प्रदेश के हॉकी के खिलाड़ी हैं प्रसिद्ध, इन्होंने जो है अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भी भाग लिया था, टोक्यो ओलंपिक में जो भारतीय हॉकी टीम है उसने कांस्य पदक जीता है, तो ये उसकी उस टीम के सदस्य भी रहे हैं। दूसरी बात, इनको जो है मध्य प्रदेश के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनको DSP का जो पद है वो दे दिया गया है, DSP का पद जो है उनको दे दिया गया है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर उनको कहीं ना कहीं दिया जाता है, तो इनका संबंध कहाँ पर आ जाएगा, सीधा हॉकी से आ जाएगा, ये हॉकी टीम से संबंधित है और हॉकी के खिलाड़ी है, ठीक है। अब आप इससे रिलेटेड और भी चीज़ें याद कर सकते हैं, किस जिले के हैं, क्या है। टोक्यो जापान ओलंपिक 2020 में हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर ने अपनी खेल प्रतिभा से भारतीय हॉकी टीम को कांस्य पदक विजेता बनाया है ना, तो जो कांस्य पदक जीती थी भारतीय टीम। अब इससे ये भी याद हो गया, देखिए अभी आपको टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आपको टोक्यो ओलंपिक में भारत की पोजिशन पता होना चाहिए, भारत ने एक गोल्ड मेडल जीता किस में जीता, एक सिल्वर जीता तो काय में जीता, दो सिल्वर जीते तो किस में जीते, और चार ब्रॉन्ज जीते तो वो काय में जीते हैं, है ना। जैसे एक गोल्ड है तो वो किस में, जैसे उसने नीरज चोपड़ा लाए हैं, दो अगर सिल्वर मेडल हैं तो वो किस में है, और तीन अगर ब्रॉन्ज हैं तो वो किस में है, चार ब्रॉन्ज है सॉरी, है ना। तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन उठ रहा है तो हो सकता है अगला क्वेश्चन जो है गोल्ड या सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल से आ जाए, है ना, तो आपने इस तरह से तैयारी करनी है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस जिले में बेगा विकास अधिकरण नहीं है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने, किस जिले में बेका विकास अभिकरण नहीं है। तो किसी जिले में कोई चीज़ क्यों नहीं होगी,
जब वहाँ पर जनसंख्या नहीं होगी, है ना। तो अगर बेगा की जनसंख्या इन तीनों जिलों में से किसी जिले में कम होगी तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो विकास अधिकरण है वो नहीं होगा। जैसे मंडला है, शहडोल है, रायसेन है, बालाघाट है। अब आप थोड़ी फॉर्मेशन देखोगे मध्य प्रदेश की, जो फॉर्मेशन है उसमें आप पाओगे कहीं ना कहीं कि ये जो बालाघाट है ये इस तरफ है, ठीक है। अगला क्या है, रायसेन, रायसेन यहाँ पर है, ठीक है। मंडला, मंडला भी इसके आसपास है यहाँ पर, और शहडोल भी इधर ही है ना। तो शहडोल, मंडला और जो शहडोल, मंडला और बालाघाट जी, जो ये कहीं ना कहीं एक साइड दिख रहा है मध्य प्रदेश में, और रायसेन थोड़ा अलग दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से जो वो बोल रहा है क्वेश्चन में, जिले में विकास अधिकरण नहीं है, तो हमने क्या किया है, एक आइडिया लगाया है कि मंडला, शहडोल और बालाघाट ये आसपास के जिले हैं, और जब ये जिले हैं और इन क्षेत्र को, जो ये क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, बेगाचक क्षेत्र। बेगाचक क्षेत्र, बेगाचक क्षेत्र क्यों कहते हैं, बेगा जनजाति ज़्यादा होने के कारण इस क्षेत्र को बेगाचक क्षेत्र कह देते हैं। तो अब बच कौन सा रहा है, रायसेन जिला। रायसेन जिले में ये नहीं है बेगा विकास अधिकरण, क्योंकि रायसेन जिले में जो जनजातियाँ हैं वो अधिकतर भोपाल के आसपास के निकट करने वाली हैं। तीन विशेष पिछड़ी जनजातियों बेगा, सहरिया और भारिया हैं। इनमें से विशेष उत्थान के लिए मंडला, शहडोल और बालाघाट क्षेत्रों में इसका अधिकरण बनाया गया है ना। जो रायसेन जिला है इसमें या तो कंजर या फिर जो आसपास की और भोपाल के आसपास की जो जनजातियाँ हैं वो रहती हैं, है ना। तो बेगा का तो कोई इसे कहीं तक लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा रायसेन, ठीक है। देख लीजिए, जनजाति से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, अपने को जनजाति बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाते हैं जो इंटरनेशनली जो फेमस व्यक्ति हैं उनके बारे में ये क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें थोड़ी स्ट्रिंग्स भी लगानी पड़ती है, अगर आपने पुराने इनमें से कोई नाम पढ़ रखा है तो और बेहतर है, और नहीं तो फिर क्या होता है कि एलिमिनेशन मेथड से चलना होता है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर इसका हो सकता है, नहीं हो सकता है। कई बार आप जैसे इसमें भी उन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कोई एक चित्रकार है जो मध्य प्रदेश से नहीं है और तीन जो है वो चित्रकार मध्य प्रदेश से ही हैं। या तो आपने ये पढ़ रखा हो कि कौन कौन से प्रसिद्ध चित्रकार मध्य प्रदेश से हैं तो आप बना देंगे, या फिर आपने इनमें से कोई ऐसा पढ़ रखा है जो मध्य प्रदेश का नहीं है तो आप उसका आंसर लगा सकते हैं, है ना। अब जैसे इसका देखते हैं कि श्री विष्णु नारायण श्रीधर बेंदे, विष्णु चिचलावकर और अमृत लाल बेगड़ प्रमुख चित्रकार है, जबकि नाना साहब पेंसे महाराष्ट्र के, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, अगर आपको थोड़ा सा पता था, जैसे अमृत लाल बेगड़ है, इनको अपन क्या कहते हैं, नर्मदा पुत्र कहते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं नर्मदा माता संबंधित इन्होंने नर्मदा जी के चित्र बनाए हैं और इस टाइप का काम किया है। दूसरा अगला आता है विष्णु चिचलावकर, इनका भी कहीं ना कहीं अपन ने नाम सुना हुआ है, ये मध्य प्रदेश के कहीं ना कहीं प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। अब बस आपको दिक्कत आ रही थी नारायण श्रीधर बेंदे और नाना साहेब पेंडसे, तो इसमें थोड़ा सा 50-50 वाला मामला हो गया कि दो एलिमिनेशन हो गया, दो बचे हैं, तो आप या तो नाना साहेब से थोड़ा सा नाम ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र या मालवा पृष्ठभूमि के हैं, मराठी नाम लग रहा है, तो आप फिर जाके इसको टिक कर दीजिए नाना साहेब पेंडसे। अब चित्रकारी है, चूंकि ये भी मध्य प्रदेश के स्थापत्य और कला और संस्कृति से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं अपने को चित्र भी देखना है। अब चित्रकार देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए संगीत से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं या जो भी फैक्ट हैं उनको भी कहीं ना कहीं तैयार करें, क्योंकि हो सकता है अगला क्वेश्चन चित्रकार की जगह मूर्तिकार या संगीतकार से आ जाए, ठीक है। अगला आता है किस तीर्थस्थल का प्राचीन नाम मांधाता है, ठीक है। अब ये वापस क्वेश्चन उन्होंने इतिहास से रिलेट कर दिया है ना, तो पुराने नाम जो थे वो स्थान वाइज थे। अब मांधाता, एक मांधाता का नाम यहाँ भी है, एक मांधाता के नाम से अभ्यारण भी है, है ना, अभ्यारण भी है। दूसरा क्या होता है कि एक राजा थे, एक शासक थे मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में, तो वो खंडवा जिले में जो थे शासक थे मांधाता, उनके नाम पर नगरी है मांधाता नगरी, तो वो कहाँ पर है, खंडवा जिले में। खंडवा में अब यहाँ प्रसिद्ध कौन सा आता है, ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर कहाँ पर, खंडवा जिले में, इसको मांधाता नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कारण क्या है कि जो यहाँ के शासक थे वो मांधाता उनके पूर्वज थे और उनके नाम पर ही इस शहर का या इस जगह का नाम रखा गया था, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर आ जाएगा ओंकारेश्वर। अमरकंटक, महेश्वर, महेश्वर को अपन जानते हैं महेश्वती के नाम से जानते हैं, अमरकंटक अपनी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, कामतगिरी, तो यहाँ पर जो रिलेटेबल क्वेश्चन जो लग रहा था वो लग रहा था अपने को ओंकारेश्वर, तो इसका नाम पुराना मांधाता है, ठीक है। ओंकारेश्वर का ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मांधाता नदी द्वीप, जो कि नर्मदा पर बना हुआ है, पर स्थित है। यहाँ पर ओम के आकार का नदी द्वीप है ना, ये है कि जब आप उसको ऊपर से देखते हैं तो जन नर्मदा नदी का प्रवाह जो है वो इस टाइप से ओम के रूप में दिखाई देता है अपने को कहीं ना कहीं, ठीक है। अगला आता है तुर्रा कलगी लोक नाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, है ना। अब चूंकि तुर्गा कलगी जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो निमाड़ से है ना, जब अपन निमाड़ का वो पढ़ते हैं कि भाई कहाँ लोक नाट्य, लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, लोक गीत है,
और नाट्य है, तो वो जब चीज़ें पढ़ते हैं तो अपन तुर्का कल्ली सीधा पढ़ते हैं निमाड़ में, क्योंकि थोड़ा सा ये विवादित क्वेश्चन हो गया था। कुछ बुक जो है इसका मालवा भी देती हैं, तो इसका आंसर जो है आयोग ने ए और बी दोनों रख रखा था। अब बुंदेलखंड बघेलखंड में तो अलग अलग है। अब चूंकि आपको बोल दिया है लोकनाट्य, तो आप लगभग लोकनाट्य सबके याद कर लोग, भाई ये मालवा का कौन सा है, तो बोले माच है, और माच मध्य प्रदेश का भी है, ठीक है। निमाड़ का और कौन सा है, तो गम्मत भी है ना। बुंदेलखंड का कौन सा है, तो वो इसमें नौटंकी भी आता है और रास भी आता है, नौटंकी है और रास है ना। और बघेलखंड के भी अपने को याद होना चाहिए कौन कौन से हैं, हिंदवा है, लकड़बग्गा है ना, और भी तीन चार जो भी हैं इसके, वो मनसुखा है, इस तरह के जो बघेलखंड याद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन से क्या होगा कि अपने जो लोक नाट्य हैं वो तैयार हो जाएंगे। लोक नाट्य के अलावा लोक नृत्य भी आपको तैयार करने हैं, लोक नृत्य और लोकगीत भी है ना। लोकगीत मतलब कौन सा किधर फेमस है, भाई बरसाती वार्ता है तो वो कहाँ पर है, अगर निमाड़ में कलगी तुर्रा है, यदि इससे रिलेटेड और भी कुछ है तो वो किस किस क्षेत्र में फेमस है ना, फाग है, गरबी है, ये कहाँ पर गाई जाती है। क्योंकि आजकल एमपी का जो है कोर सब्जेक्ट है उसमें से लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 से 10 क्वेश्चन अपन समझ लें कि एमपी के इतिहास से या संस्कृति से या जिसको बोलते हैं साहित्य, और इनसे आ सकते हैं। तो अपने को ये बहुत अच्छे से तैयार करना है। तुर्की कल्ला निमाड़ आंचल में गाई जाने वाली एक गायन शैली है, जो कि प्रतिस्पर्धात्मक स्वरूप में दो दलों के मध्य में गाई जाती है ना। लेकिन अब चूंकि आयोग ने इसका थोड़ा विवादित है, तो ये उसका क्वेश्चन मालवा और निमाड़ दोनों इसका आंसर माना था, ठीक है। अगला आता है, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। देखिए अब इसमें वो क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व का प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। मतलब विज्ञापन मतलब क्या, एड देते हैं ना पेपर में एड, तो ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसके बारे में। अब चूंकि अपने को सब पता है, जैसे दसपुर अभिलेख कहाँ पर है, मंदसौर में है, एरन अभिलेख कहाँ पर है, सागर में, जहाँ से क्या सती प्रथा के साक्ष्य मिले थे, सुपिया अभिलेख भी कहीं ना कहीं अपने रिलेटेड है। अब इसके बाद सोहगरा, मतलब दसपुर में तो ऐसी कुछ चीज़ अपने पढ़ी नहीं है, दूसरा अपने एरन में नहीं पढ़ी है, अब अपने पास दो ही बच रहे हैं, सुपिया अभिलेख या सोहगरा अभिलेख है ना। अब इन दोनों में से एक कोई सा हो सकता है, तो जब एलिमिनेशन मेथड आती है तो हम दो तो ही हटा देंगे, अब इन दोनों में से एक लगा लेंगे। अगर इनमें से भी हमने कोई सा एक नाम पढ़ रखा है जिसके बारे में अगर कुछ हमको जानकारी है तो हम जाके वो लगा देंगे। अब जैसे इसने आयोग ने इसका आंसर माना है, मंदसौर जिले के गुप्त काल से निर्मित दसपुर अभिलेख है, जो कि रेशम व्यापारियों का दसपुर मंदसौर के आकर बस जाने का वर्णन करता है। ओके ठीक है। देखिए अब ये दसपुर अभिलेख अपने को इसके बारे में पता था मंदसौर में, पर इसमें उन्होंने देख ली क्या बताया है, इसमें रेशम व्यापारियों के बारे में जानकारी मिली थी है ना। अब चूंकि रेशम व्यापारियों का आकर बस जाने की जानकारी का वर्णन मिलता है, अब ये अपने को पता था कि भैया दसपुर में यहाँ पर एक अभिलेख है जिसमें रेशम व्यापारियों का या उसके बारे में जानकारी जो है वो मिली है, ठीक है। लेकिन अब विज्ञापन से अपन क्या समझें है ना, उस आधार पर ये क्वेश्चन को थोड़ा पकड़ सकते हैं। जैसे विज्ञापन, विज्ञापन का अधिकतर मतलब ये होता है कि आपने किसी चीज़ का एड दिया है या किसी के आने बसने के बारे में जानकारी जो है वो बताई हुई है, ठीक है। अब जो लगाने वाला है वो व्यक्ति फिर विज्ञापन से जाएगा कि यार कौन सा हो सकता है। तो अब सबसे ज़्यादा अगर अपने को इस बारे में मालूम है तो एक तो एरन के बारे में मालूम है कि सागर में यहाँ पर सती प्रथा के साक्ष्य दिए हैं, दूसरा थोड़ा बहुत पता है तो अपने को दसपुर के बारे में पता था है ना कि भाई दसपुर में क्या है, तो सती इसके रेशम श्रेणी के बुनकरों की जानकारी जो है इसमें दी गई है। तो ये उस आधार पर ये आंसर लगाया जाएगा कि दसपुर अभिलेख में इसके बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है ओके। अब जैसे ये दसपुर अभिलेख आ गया है तो अब इसका कारण क्या है कि जितने भी अभिलेख हैं, अभिलेख से अभी तक दो क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हमारे जो अभिलेख हैं वो सारे तैयार होने चाहिए है ना। जितने भी अभिलेख हैं हम उनको कम से कम अच्छे से तैयार कर लें, उनमें किस किस तरह की बातें लिखी हुई है, जैसे किसी में सती प्रथा के साक्ष्य दिए हैं, किसी में रेशम की बुनकर श्रेणी पूछ ली है, जिसमें किसी को राजा को सूर्य की तरह बताया गया है, या फिर क्या होता है अभिलेख काल से संबंधित भी होते हैं, मौर्य काल का कौन सा है, गुप्त काल का कौन सा है, या किसी और काल का कौन सा है, या फिर अगर कोई अभिलेख ऐसा है जो विशेष जानकारी देता हो किसी राजा से संबंधित या किसी झील से संबंधित है ना। तो जो इंडिया लेवल पर भी है वो अभिलेख इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो अशोक थे, अशोक और मौर्य शासक जो थे, उन्होंने अभिलेखों के माध्यम से बहुत ज़्यादा जो है विकास और इस टाइप की चीज़ें की थी, तो उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप सारे अभिलेखों को जो है तैयार कर लें। तो जो है अपनी तैयारी का जो मोटो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन जो अपन सोल्व कर रहे हैं इनके आसपास की चीज़ें अपन पढ़ लें कम से कम है ना। होता ये है कि आयोग कहीं ना कहीं उसके पास चीज़ें तो यही हैं, यहीं से वो क्वेश्चन बना रहा है, तो अपनी जिम्मेदारी ये है कि पुराने क्वेश्चनों से कम ये समझे कि आयोग कहाँ तक पहुँच सकता है ना। दूसरी बात, आपको कोर सब्जेक्ट जो है वो एमपी है
एमपी से कहीं ना कहीं 35 से 40 क्वेश्चन आपके आएंगे, है ना। आप कहाँ से आ सकते हैं, एमपी की हिस्ट्री से आ सकते हैं, एमपी की सोशल या कल्चर जो है वहाँ से आ सकते हैं, एमपी की जियोग्राफी से आ सकते हैं, एमपी के स्वतंत्रता संग्राम से आ सकते हैं, है ना, रिवॉल्यूशन से आ सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं या इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो अपने को याद करने हैं। अब नया पैटर्न हो गया, अब वो थोड़ा सा बुक्स और इनकी तरफ भी जा रहा है, तो अपने को बुक्स, इसके अलावा ट्राइबल बेल्ट जो है उससे हर बार क्वेश्चन कर ही रहा है ना। अभी देखा तुमने स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, स्पोर्ट्स से, है ना। इसके अलावा करंट की चीज़ें जो भी हैं वो भी अधिकतर ऐसा संभावना ये रहेगी कि वो एमपी का करंट पूछेगा, है ना। जो तो इंडिया लेवल पे जो तैयारी कर रहे हैं अपन इंडिया की या जीके की, एमपी जीके की, तो एमपी जीके को अपने मेजर मानकर चलें, क्योंकि 35 से 40 क्वेश्चन आएंगे और इनकी ये संभावना है कि आप 90% क्वेश्चन को जानते हैं कहीं ना कहीं। 10% क्वेश्चन आपके डाउट से हो सकते हैं, उनको भी सॉल्व किया जा सकता है थोड़ी सी मेथड लगा के या थोड़ा एलिमिनेशन लगा के। तो कहीं ना कहीं अपने को जो एमपी है वो उसको स्ट्रॉन्ग रखना है। जो कंपटीशन से बाहर लोग होते हैं वो इसी एमपी की वजह से होते हैं, क्योंकि अगर कोई अदर स्टेट का व्यक्ति देने आएगा और उसको 35 से 40 क्वेश्चन केवल एमपी के मिलेंगे, जहाँ पर एमपी का कल्चर है, एमपी की हिस्ट्री है, एमपी की ज्योग्राफी है ना। होता है कि एमपी का ऊपर ऊपर सब पढ़ लेते हैं, लेकिन हम जो है हमारा बेसिक जो है डीप से पढ़ना है एमपी को। उसका कारण भी क्या है कि जब हम मेंस देंगे तो मेंस में पूरी एक यूनिट जो है वो 3 यूनिट जो है एमपी की आ जाएगी, है ना, पहले पेपर में, दूसरे पेपर में भी है। तो कहीं ना कहीं एमपी का जब हम प्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो आप ये ना समझे केवल प्री का इसमें काम हो रहा है, आप ये समझे कि जब आप डायनेस्टी सब पढ़ते हैं तो एक डायनेस्टी का पूरा अलग चैप्टर जो है वो मेंस में भी दे रखा है। इसके अलावा आप जो जियोग्राफी पढ़ते हैं तो समझ लीजिए अधिकतर जियोग्राफी जो है वो आपकी मेंस में आने वाली है, और कहीं ना कहीं पॉलिटी के क्वेश्चन भी आएंगे। तो पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो मेंस के पर्पस से और प्री के पर्पस से, दोनों पर्पस से एमपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। डायनेस्टी तो अलग से आ ही रहा है आपका, जियोग्राफी में क्वेश्चन एमपी के आ ही रहे हैं, पॉलिटी में भी आजकल पूछ लेते हैं कि रिलेटेड एमपी में क्या है, जैसे एमपी में विधानसभा है या विधान परिषद है कि नहीं है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कनेक्ट करेगी। इस तरह से अगर आप एमपी हम बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए काम देगा, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।